हम लोग कर रहे हैं आज के टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और उसमें भी हमने कुछ बताया था लास्ट वीडियो में, तुम लोग देखोगे तो उसमें कुछ कुछ बताया था। फिर भी आज एक बार रिवाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हम एल्कोहल को बेसिकली इनटू टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एल्कोहल कैसा होता है? आर ओ एच, आर ओ एच, तो दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दिस इज द सेकेंड टाइप। ठीक है, तो अगर अगर क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और क्लीवेज आर और ओ के बीच में हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज अगर ओ और एच के बीच में बॉन्ड टूटे। समझ आया? एक तो हो सकता है आर और ओ के बीच में टूटे, या फिर हो सकता है ओ और एच के बीच में टूटे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग वेयर द क्लीवेज हैपेंस इन बिटवीन आर एंड ओ, एंड वेयर द क्लीवेज हैपेंस बिटवीन ओ एंड एच। समझ आया? दो तरह के। तो अगर हम आर और ओ की पहला जो टाइप है हमारा आर और ओ एच, तो यहां से क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, इस टाइप को पकड़े, तो इसमें हमको दो चीजें करनी है। एक करना है हमें रिएक्शन शोइंग एसिडिटी, ठीक है, अगर आर और ओ और एच, एकदम बिगेस्ट मिस्टेक, क्या किया मैंने, आर और ओ के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया और रिएक्शन शोइंग एसिडिटी बोला। गलत क्या था बताओ? एसिड में क्या होता है, अगर 10th क्लास याद होगा तो एसिड क्या करता है, एच प्लस आयन को रिप्लेस करता है ना, तो जब एच प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है, मतलब यहाँ पे एच प्लस आयन रिप्लेस हो रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एसिडिटी दिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन शोइंग एसिडिटी, राइट, और दूसरा रिएक्शन होता है esterification, ठीक है, तो ये दो तरह का रिएक्शन हमको इस टाइप में, मतलब रिएक्शन नंबर टू में पढ़ना है, और फर्स्ट टाइप जो है वो हम उसके बाद थोड़ा कवर करते हैं, क्योंकि वो अगर ये सीख लेंगे ना तो वो थोड़ा सा इजी पड़ जाए। ठीक है, तो दो तरह के रिएक्शन हमको सीखने हैं, एक रिएक्शन शोइंग एसिडिटी, एक esterification, और क्लीवेज कौन सा होगा, क्लीवेज कौन सा होगा, ओ और एच के बीच में क्लीवेज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं क्या, रिएक्शन शोइंग एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या निकलना है, एच का को निकलना है ना, तो अगर मैं ऐसा लिख लेती हूँ, अब इसमें एच को तोड़ना है, तो ऑफकोर्स एल्कोहल तो एक पार्ट पक्का पक्का होगा जिसमें एच टूटेगा, और उसके साथ रिएक्ट करा देंगे हम किसी भी मेटल का। ठीक है, एल्कोहल के साथ मेटल का अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या सॉल्ट निकलता है, क्या सॉल्ट निकलेगा, आर ओ, ओ तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओ क्या करेगा, नेगेटिव को पकड़ लेगा, आर ओ एन ए ऐसा बनेगा और एच प्लस निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन क्या एसिडिटी दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, क्योंकि एच प्लस निकल जा रहा है। और इसी टाइप में अगर मैं R की जगह C2H5OH लिख दूं और उसका रिएक्शन करा दूं Na के साथ, तो क्या बोल सकते हो, ऐसा अगर एग्जाम में दे दे तो क्या लिखोगे आंसर, C2H5O Na plus H plus। समझ आ गया पक्का? ठीक है, तो यही एक रिएक्शन होता है। और अब तुम बोलोगे कि आप सोडियम के साथ ही ये रिएक्शन होता है या फिर किसी और मेटल के साथ भी हो सकता है, पक्का हो सकता है, एल्युमिनियम वगैरह सबके साथ हो सकता है। ठीक है, डन, समझ आ गया, ओके। अब इसके क्वेश्चंस पे आगे कर ले, शायद क्वेश्चंस पे आगे नहीं बढ़े थे, यहां तक मैंने बता दिया, राइट, ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ना एल्युमिनियम के साथ सबसे पहले दे देती हूँ।
क्या बनेगा रोशन? एच हट जाएगा वहाँ पे, एल ऐड हो जाएगा, एच हट जाएगा और एल ऐड हो जाएगा, और तो कुछ नहीं करेंगे सिंपली। तो मतलब 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन तो यही होना है ना, कोई रिएक्शन में चेंजेस नहीं है। अगर बैलेंसिंग करना हो तो बैलेंसिंग भी कर लेना, वो नहीं दिखा रहे, चलेगा पक्का? तो इसके क्वेश्चंस के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आता है, मिटा लिया ऊपर? जितना इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं रहेगा उतना वीक एसिड। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं एग्जांपल के रूप में कैसे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मैं तुमको तीन एग्जांपल देती हूँ, बताओ। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सेम है। यहां से इसको डोनेट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी यहां से भी डोनेट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, मतलब तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। इसका अपना एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉन है ही है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है ही, यहाँ पे दो जगह से डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है ही है, एक जगह से डोनेट किया जा रहा है। तो कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? मतलब अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड वाला इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन सेकेंड वाला, देन फर्स्ट वाला। समझ आ गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर? जितना इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसपे उतना वीक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी आए, तो एक तो ये हो गया जितना इलेक्ट्रॉन से, या फिर जिसको समझ नहीं आता है उसके लिए 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन 3 डिग्री अल्कोहल, यही होती है स्ट्रॉन्गेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, समझ आ गया तो वेरी बढ़िया, नहीं समझ आया तो ये रट लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? ओके, अब और एक क्वेश्चन दे इसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे। सुनल लिखा है? नहीं, याद ही नहीं रहेगा, मत लिखो। ओके चलो, क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा है HO। अब बताओ विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड? पक्का 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 है ना? पक्का पक्का सेकंड वाला इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं ना, दिखा रहा है बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? ओके चलो, ओके और एक क्वेश्चन। चलो ये तो हो गया रिंग में, मतलब चेन में, एक रिंग में भी पूछ ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछने जा रहे हैं। फिनॉल क्या एसिडिटी दिखाता है? अगर क्वेश्चन आया कि वेदर फिनॉल शो एसिडिटी, बिल्कुल सही, राइट वाला इज द स्टेबल प्रोडक्ट। क्यों है सोनल, क्या समझ आया? बिल्कुल, और एक तरीके से बता सकते हैं, दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, बनाओगे? हाँ बनाओ 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 बनाओ, आज कॉपी में देखा जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ।
तो एक मैं बना देती हूँ और एक तुम लोग बनाओ, ठीक है? तो मैं फिनॉल का बना दूँ, दिस इज फिनॉल, ठीक है? ये ओ, ये एच, ठीक है? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उनके यहाँ आएंगे तो इस बॉन्ड को यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा, राइट? बॉन्ड उठ के आने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है ना? देख लेना, हम स्टेप बना दे रहे हैं, उसके बाद फिर बताना कि कोई दिक्कत हुई कि नहीं। यहाँ तक देख, कोई दिक्कत? पक्का? पक्का पक्का? अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे था, अब ये नेगेटिव चार्ज उठ के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज उठ के बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड उठ के यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया, समझ आया? क्योंकि अब बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो इस बॉन्ड को यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं है, ठीक है? क्लियर? देखो अब मैं स्ट्रक्चर भी बना दे रही हूँ, फिर भी फिर से समझ लो, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, देखो डन, समझ आ रहा है? ठीक है ना, सही कर रहे हो? ठीक है, अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और यहाँ पे बैठ के क्या बनाएगा, ये नेगेटिव बनाएगा, ठीक है? चलो ये भी बना देते हैं, बॉन्ड बनाया, ये चार्ज यहाँ पे, ठीक है? अब बताओ क्या होगा, लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस चला जाएगा, है ना? रेजोनेंस मतलब क्या होता है कि पहले वाले स्टेट में फिर से पहुंच जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा H, ठीक है? डन, समझ आया? पक्का रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ आया? अब तुम इसका फिनॉक्साइड का बनाओगे? बनाओगे? बनाओ। अब बात आई कि अगर आपने फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया है तो आप सब जगह देखोगे O भी नेगेटिव है और जो चार्ज भी जा रहा है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जितना सेपरेट रहे उतना अच्छा है, ठीक है? और यहाँ पे फिनॉल में क्या हो रहा है ना, इस स्टेप में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सेपरेट हो गए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या होना चाहिए, चिपकना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, है ना? तो ये चार्ज सेपरेशन की वजह से, इस जगह पे जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है ना, इस वजह से ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता है देन द फिनॉक्साइड। तो आपको अगर आंसर पूछे कौन सा ज्यादा स्टेबल है किसी भी कंपाउंड में, तो बेटर ऑप्शन है आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, बेटर ऑप्शन, ठीक है? अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी सीख गए ना, ठीक है? तो अगर सीख गए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो, उसमें देखो कि चार्ज सेपरेशन कहीं आ रहा है क्या, जिसमें चार्ज सेपरेशन आ रहा है वो हो गया क्या, दिक्कत हो गया वहां पे क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन की वजह से अनस्टेबल। डन डन, ओके। अब क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि अल्कोहल में, बात कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ही कर रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं या वीक करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं या वीक एसिड बनाते हैं, तो वो थोड़े थोड़े से सब्स्टिट्यूएंट हमको याद रखने हैं, इसको मिटाते हैं और नोट कर लेते हैं। रेजोनेंस बनाना नहीं भूलना, बहुत जगह पे काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत जगह पे काम आएगा, रेजोनेंस भी बहुत जगह पे काम आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज तुम्हारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन, अगर रिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो फिनॉल, ठीक है?
फिनॉल के ऊपर सब्सिक्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर दिस इज माय फिनॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस फिनॉल स्ट्रक्चर में एक सब्सिक्वेंट ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक सब्सिक्वेंट ग्रुप लगा हुआ है। इस सब्सिक्वेंट ग्रुप में अगर अगर NO2 है या फिर CHO है या फिर COOH है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब विड्रॉ इलेक्ट्रॉन जितना विड्रॉ कर लेगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो ये दिस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये ग्रुप है, और जिसकी वजह से तुम्हारा क्या बोलते हैं एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन एसिडिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है कि अगर ये ग्रुप्स दिख रहे हैं तुम्हारा, तो वो क्या कर देगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, मतलब वीक एसिड की तरफ लेके जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हारा ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाला ग्रुप है उसमें अगर इस ग्रुप में आ जाता है R, मतलब R मतलब C, कार्बन का CH3 वगैरह, या फिर OH, या फिर NH2, या फिर X मतलब हेलोजन, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप को बढ़ा देता है और इंक्रीज एसिडिटी कर देता है। क्या करता है? इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सा याद रखोगे तो तुमका तुम्हारा जो 1-1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, फिनॉल के केस में, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दीज आर द सम सब्स्टिट्यूएंट जो कि बताते हैं एसिडिटी कैसा है, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन कैसा आता है चलो देख लेते हैं। प्रेडिक्ट द मोस्ट एसिडिक, ठीक है, प्रेडिक्ट द मोस्ट एसिडिक, ए है प्रोपीन 1-ऑल, बी है 2-4-6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, सी है एस नाइट्रो फिनॉल, एंड डी है नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन आ ही सकते हैं एग्जाम में, प्रेडिक्ट द मोस्ट एसिडिक। अब बताओ, प्रेडिक्ट करो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, प्रेडिक्ट करो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। एस नाइट्रोफिनॉल, एस नाइट्रोफिनॉल बता, एस नाइट्रो नाइट्रो, ये तुम्हारा क्या लग रहा है, तुम्हारा बोलने को ये एस नाइट्रोफिनॉल, एस नाइट्रोफिनॉल तो नहीं, सॉरी 3-नाइट्रोफिनॉल गलत, 3-नाइट्रो, ठीक बोल, थ्री पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल, दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, यार ऊपर से ही क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, ए क्यों होगा, यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, सॉरी नाइट्रो ग्रुप, बी क्यों, रीजन बताओ, NH2 NH2 बोलो बोलो, ए सी बी बोलो, रोशन बी 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 क्यों, बी क्यों,
तीन नाइट्रो है ना, नाइट्रो मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप, मैंने नाइट्रस ऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नहीं बोला, तीन नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे थ्री पोजीशन पे नाइट्रो है, पोजीशन पे नाइट्रो है मतलब तीन बार नाइट्रो है, जितने बार नाइट्रो उतना इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है ओके। एक और क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी बताना है ऑर्डर में, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास OH, दूसरा ऑप्शन है OH CH3, तीसरा ऑप्शन है OH NO2 एंड चौथा ऑप्शन है OH NO2 NO2। स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी सीरीज बताना है, मतलब सीक्वेंस में अरेंज कीजिए इसको, कौन किसके बाद आएगा। सेकेंड फर्स्ट थ्री फोर, सेकेंड फर्स्ट थ्री फोर, यार तुम लोग अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, मतलब मैं थोड़े देर से सोच रही हूँ कि तुम लोगों को ध्यान में आएगा, ध्यान में आएगा। स्टार्ट किए हम लोग चैप्टर कैसे, हम लोग चैप्टर इस तरह से स्टार्ट किए कि एसिड का प्रॉपर्टी मुझे याद कर, ठीक है। एसिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन निकलता है तो हम उसको एसिडिक बोल देते हैं। उसके बाद मैंने सिखाया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पे क्या सिखाया, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड ना। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब कहीं टीचर अगर मिस्टेक कर रहा है तो उसको पकड़ना भी नहीं है, मतलब कुछ भी लिख दे टीचर हाँ 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 करके चल दिए हम लोग, नहीं चलेगा ना यार, ध्यान दो। मैं तब से सोच रही हूँ कहीं ना कहीं पकड़ोगे, कहीं ना कहीं पकड़ोगे। इसमें भी मैंने आंसर सही करेक्ट किया फिर भी तुम लोगों ने नहीं पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, पकड़ो ना ये सब मिस्टेक, क्यों नहीं पकड़ रहे हो, अभी तो सिखाया ना, क्या सिखाया मैंने, क्या याद रखना है, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना वीक एसिड बन जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ये होगा वीक एसिडिटी, समझ आया। कभी पकड़ा करो मिस्टेक, जब तक मिस्टेक नहीं पकड़ोगे खुद से समझ नहीं आएगा। आप समझ आया ये आंसर इज करेक्ट हाउ, और रोशन फिर भी बोल रहे हैं कि वो सही है, यार नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, नाइट्रो इज NO2, रोशन को इतना भी समझो, नाइट्रो इज NO2, अगर 2, 4, 6 में नाइट्रो ग्रुप है मतलब 2, 4, 6 में अगर ये ग्रुप है तो पक्का स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब सही है 100%, ठीक है, मतलब जो आगे पढ़ा है पीछे जो पढ़ा है वो भूल गए, मतलब एक ही क्लास में सब भूल जाते हैं, है ना, पक्का ना, सही बोल रहे ना, सही बोल रहे ना, सुन
कलर, अब बताओ इसका ऑर्डर, अब जो कलर बताया वो फोर फोर थ्री थ्री एनओ टू और वन टू फोर थ्री वन टू. ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फोर थ्री वन टू डन. कल को मैं पूछूंगी तो कोई भूलेगा? पक्का नहीं भूलेगा, चाहे मैं जितना कंफ्यूज कर लूं, जितना भी कंफ्यूज कर लूं, जितना भी मतलब उल्टा पुल्टा लिख दूं, मगर तुम लोग मुझे करेक्ट करने वाले हो 100%. ठीक है, तो करेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट? अगर मैं कुछ गलत लिख रही हूँ तो करेक्शन इम्पोर्टेंट है. आप लोग बताओगे क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना कि नहीं ये तो हमने आपने पहले ऐसे सिखाया, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप? ठीक है डन. तो इस पे सारा क्वेश्चन बनाएंगे आज घर जाके. क्या क्वेश्चन बनाओगे आज घर जाके? कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, और फिनॉल के केस में भी वो कर लोगे, मतलब एल्कोहल फिनॉल इज क्लियर. पक्का नेक्स्ट डे हम एस्टरीफिकेशन पे एंटर करेंगे. ठीक है चल, आज के लिए इतना ही.